हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जबसाysdilse। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है कि अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे 2 साल से लेकर के समझो कि 16-17 साल तक के बच्चों के लिए, और ये जो उपाय हैं आप बड़ों के लिए भी अपना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर खासकर बच्चे अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हैं और आपको डर लगता है कि उनकी जो आँखें हैं कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो जिससे कि उनकी आंखें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगर कई बार ये भी आप देखोगे कि बच्चे की आँखें फूल गई हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग से लग रही है उनकी आँखों में, तो वो भी नहीं होगी। तो इसके ऊपर है आज का वीडियो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब पर है लाखों चैनल और एक बार मेरे चैनल का लिंक हो गया गुम तो आपको ढूंढना हो जाएगा बड़ा ही मुश्किल, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगा घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पे आओगे आपको नोटिफिकेशन में रेड कलर में दिख के पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो आपके फ़ायदे का डाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आजकल चाहे छोटे छोटे से बच्चे भी क्यों ना हो, 2-3 साल के बच्चे भी हम देखते हैं कि आंखें जैसे 24 घंटे वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, और हमें लगता है कि कहीं इनकी बच्चों की आंखों के ऊपर चश्मे ना लग जाएं, आंखें ना ख़राब हो जाएं, नज़र ना चली जाए। और अक्सर जो बड़े बच्चे हैं वो भी लैपटॉप पर ही चिपके रहते हैं, और आजकल तो जब से ये ऑनलाइन क्लासेस और ये सब शुरू हुई हैं तो बच्चे और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जिसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम, बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों की आँखों की हिफाजत कैसे करें, तो बहुत ही छोटे छोटे से आसान उपाय हैं दोस्तों। पहले तो आप ये कर सकते हो दोस्तों कि आप एलोवेरा जो है एलोवेरा जेल ले लीजिए। हाँ जी, एलोवेरा जेल ले लो, आप कोई भी कंपनी का ले लो, और अगर कहीं कंपनी का नहीं है तो अगर आपके घर पे एलोवेरा का प्लांट है तो उसके अंदर से भी आप निकाल के एलोवेरा ले सकते हो। और आपने क्या करना है कि जो जो एक नैपकिन्स आते हैं ना, ये टॉवल नैपकिन्स जो हैं, टॉवल नैपकिन को आपने काट लेना है, छोटी सी एक स्ट्रिप में काट लेना है, और इसमें आपने एलोवेरा जेल जो है उसको डालना है। और फिर आपने क्या करना है, इस नैपकिन को गांठ बांध देनी है जी, छोटी सी स्ट्रिप को, छोटी छोटी पोटलियाँ जैसे बनानी है टॉवल नैपकिन की, और उसमें एलोवेरा जेल डाल के आपने क्या करना है कि उसको, इन पोटलियों को आपने फ्रीज कर देना है। और याद रहे, ऐसे पोटली बनाइए कि जो ये जेल है वो बाहर ना निकल सके, इस तरीके से आपने जेल को अंदर डालना है। तो अच्छे से उसको ज़ोर से गीट बांध दो, अगर आप चाहो तो रबर बैंड भी बांध सकते हो ऊपर से, और इसकी पोटलियाँ आप फ्रीज कर दो। और दिन में रात को या कभी भी दोपहर की तरफ आप ये 2 पोटलियाँ छोटी छोटी अपने बच्चों को बोलो कि वो आँख के ऊपर रखे, आँखें बंद करके। तो जब ये वो आँखें इस पे ये पोटलियों को रखेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा आँखों पे रिलीफ मिलेगी। इसको कोल्ड कंप्रेस है, और क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल भी जो है उसमें भी जो उसकी तासीर है वो बहुत ठंडी है, इससे कि बच्चों को आँखों में आराम मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो दूसरा उपाय दोस्तों, कि आप बच्चों को रात को जब बच्चा सोने जा रहा है उस वक्त आप बच्चे को गुलाब जल जो है ज़रूर डालिए। हफ्ते में 2-3 दिन आप बच्चे को आंखों में गुलाब जल ज़रूर डालिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप बच्चे को फ़ोन ही मत दीजिए, बट जो आज के रियल पेरेंट्स हैं हमें पता है कि बच्चे को फ़ोन से दूर रखना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है। तो वो तो हम अक्सर उनका टाइम जो है लिमिट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन आँखों का ध्यान तो हम दे सकते हैं ज़रूर। तो पहले तो ये 2 उपाय आपने देखे कि एक एलोवेरा जेल की पोटली, और दूसरा हो गया बच्चों के आँखों में गुलाब जल डालना। तीसरा आपने क्या करना है, आपने बच्चा जब सुबह उठ के ब्रश करता है तो आप ब्रश करते वक्त उसको बोलो कि मुँह में वो पानी भरे, मतलब कुल्ली ना करे, मुँह में पानी भरे। और जब वो मुँह में पानी भर रहा है ना तो आप उसके आँखों में ठंडे पानी के छींटे मारो। उससे क्या होता है कि उससे भी आँखों में, जब मुँह में पानी भरा रहता है तो आँखें थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और आँखें अच्छे से अंदर तक वॉश हो जाती है। तो सुबह सुबह कम से कम आप 15-20 बार बच्चे की आँखों में छींटे मारो। अक्सर हम क्या करते हैं कि 2-3 बार मुँह धुला दिया और बच्चे को ले ली कि चलो बस हो गया, लेकिन उससे आँखें क्लीन नहीं होती हैं बच्चों की। तो ये भी एक उपाय है कि आपने सुबह उठ के उसको ये करना है। इसके अलावा जो चौथा उपाय है दोस्तों, कि आप बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खिलाओ। अगर आप वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता है
तो आप धनिया की चटनी बना लो, चाहे आप पुदीने की चटनी बना लो, और उसको आप अपनी डेली डाइट में शामिल करो, ताकि जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके जो हैं वो खाने से बच्चे की जो आँखों की नज़र है वो कमज़ोर ना हो। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है तो आप वो चश्मा बिल्कुल 30 दिन के अंदर कैसे छुड़वा सकते हो, उसके ऊपर भी एक मेरा वीडियो है, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, आप किड्स सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि चश्मा कैसे हटाएं, 30 दिन में चश्मा कैसे हटाएं, वो प्लेलिस्ट चेक कर लिया आप, किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा वो 30 दिनों में चश्मा हटाएं वीडियो, और वो भी आप उपाय करके देखें, बिल्कुल चश्मा हट जाता है उससे और आंखें बिल्कुल नई जैसी हो जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही साथ प्रेम बनाए रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।